बी टाउन में ऐसे कई सेलेब्स हैं जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती हैं। इन्हीं में से एक जोड़ी है सलमान खान और अक्षय कुमार की, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय से दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है। आपको बताते चले कि दोस्ती में दरार आने की असली वजह है सलमान खान की पूर्व पीआर मैनेजर रेशमा शेट्टी। दरअसल जब सलमान ने रेशमा को हटाया था तो अक्षय ने उन्हें हायर कर लिया था। इसी बात को लेकर सलमान अक्षय के रिश्ते में खटास आ गई। अक्षय को दिलवाए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स। रेशमा ने जब से अक्षय कुमार को ज्वाइन किया है तभी से वे उनके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेकर आईं। इतना ही नहीं, रेशमा तो अक्षय को बिग बॉस का सीजन 11 तक दिलवाना चाहती थी, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। जब ये बात सलमान को पता चली थी तो वे बेहद गुस्सा हुए थे। ये बात और है कि बिग बॉस का सीजन 11 सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में सलमान अक्षय दोनों शामिल हुए, लेकिन दोनों ने इवेंट में आपस में बात करना तो दूर एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। इवेंट में शामिल सेलेब्स दोनों का ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान थे। कुछ समय पहले अक्षय की अपकमिंग फिल्म 2.0 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में सलमान खान बिना बुलाए पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा था कि वो यहां सिर्फ अक्षय के लिए आए हैं। उन्होंने कहा था कि अक्षय अपने करियर में बेहतरीन काम किया है और वे इससे बेहद खुश है। सलमान खान और अक्षय कुमार कुछ फिल्मों में भी साथ काम किया है। दोनों ने मुझसे शादी करोगी 2004, जाने मन 2006, 30 मारखा 2010 में साथ काम किया है। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म नो एंट्री के सिक्वेल में अक्षय कुमार नजर आएंगे।